चुनाव हारने के 11वें दिन बाद आखिरकार रामनिवास रावत पूर्व मंत्री हो ही गए। रावत आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिले और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा और सीएम ने रावत का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। रावत मोहन सरकार में वन मंत्री थे। बुधवार 4 दिसंबर को उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अपना इस्तीफा सौंप दिया और सीएम ने उनका इस्तीफा लेते हुए अब ये पूरी तरह क्लियर कर दिया कि वन मंत्रालय अब खाली हो चुका है। इस्तीफा स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा चारा सीएम के पास था भी नहीं। द सूत्र ने पहले भी ये खबर दिखाई थी कि सीएम उस वक्त विदेश यात्रा पर थे, ऐसे में रावत का इस्तीफा पेंडिंग था। आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रामनिवास रावत को वन मंत्री बनाया गया था। पहले उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया, इसके बाद उनकी विजयपुर सीट पर उपचुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस नेता मुकेश मल्होत्रा ने उन्हें हरा दिया। अब चुनाव नतीजों के 11वें दिन वन मंत्रालय आखिरकार खाली हो ही गया है और अब वन मंत्री कौन होगा इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल रामनिवास रावत ने लोकसभा चुनाव से पहले 30 अप्रैल 2024 को बीजेपी का दामन थामा था। श्योपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। इसके बाद उन्हें जुलाई 2024 में वन मंत्री बनाया गया। इस पर भी बखेड़ा खड़ा हुआ था। तब नागर सिंह चौहान के पास वन मंत्रालय था, ये विभाग नागर सिंह से लेकर के रावत को दिए जाने पर नागर सिंह काफी नाराज भी हुए थे। मध्य प्रदेश में अभी मौजूदा वक्त में 28 मंत्रियों में से 18 कैबिनेट मंत्री हैं, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और 4 राज्य मंत्री हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मिलाकर 13 ओबीसी, 8 सामान्य, 5 एससी और 5 एसटी वर्ग से मंत्री आते हैं। मोहन सरकार में कुल मंत्रियों की संख्या 34 हो सकती है। ऐसे में अब किस किस को मंत्री पद मिलेगा ये तो बात की बात है, लेकिन जो वन मंत्रालय के रूप में एक अनार है इसे खाने के लिए नागर सिंह चौहान अपना विभाग वापस चाहते हैं। विजय शाह भी अपनी इच्छा पहले बता चुके हैं। बाकी के जो सीनियर नेता हैं वो भी हसरत भरी निगाहों से फिलहाल मुख्यमंत्री की तरफ देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री किसे नया वन मंत्री चुनते हैं, क्योंकि किसे कौन सा मंत्री बनाना है ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। ऐसे में अब सबकी निगाहें सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर टिकी हुई हैं कि मोहन यादव क्या फैसला लेते हैं। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।